I'm going to give you some small piano lessons due to which you would be able to play the keyboard in a very short time. This skill. अब देखें हम C जो middle C है हम यहाँ से start लेते हैं और तमाम white keys C से लेके C तक C major का scale बना देती हैं. बड़ा easy है देखिए C D E F G A B and C. ये हमारा C major scale हो गया C से लेके C तक. कोई black keys बीच में नहीं आई, सारी की सारी white keys हमने इस्तेमाल की है. अब देखें कितने नोट्स हमने प्ले किए. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कीज को अगर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो हमारे पास चार चार कीज आ जाएंगी. इन चार कीज के जो ग्रुप को हम कहते हैं टेट्रा कॉर्ड्स. फर्स्ट टेट्रा कॉर्ड का क्या हुआ हमारा सी डी ई एफ. ये हमारा फर्स्ट टेट्राकॉर्ड हो गया. अब मजीद देखिए ये हमारा नेक्स्ट टेट्राकॉर्ड हो गया. ये शुरू हुआ जी से, जी ए बी सी. टेट्रा मींस फोर, ये ध्यान में रखिएगा. फोर मींस कि फोर कीज हमने एक स्केल को डिवाइड किया जिसमें आठ कीज थी, उनको डिवाइड किया दो ग्रुप्स में और हर ग्रुप को हम फर्स्ट टेट्राकॉर्ड और फिर सेकेंड टेट्राकॉर्ड कहेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके. अब देखिए फर्स्ट टेट्राकॉर्ड हम प्ले कर रहे हैं, हम फर्स्ट फिंगर अपनी जो थंब है, थंब को फर्स्ट फिंगर कहते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमने चार फिंगर्स अपनी यूज कर ली फर्स्ट टेट्राकॉर्ड के अंदर. अब हमें नेक्स्ट टेट्राकॉर्ड प्ले करना है लेकिन हाथ की उंगलियां तो खत्म होगी मेरी, मैं कैसे जाऊं वहां पर. मुझे उसके लिए करना क्या होगा, अपनी फर्स्ट फिंगर को यहां से मूव करना होगा और इसको मैं जी में ले आऊंगा. देखिए गौर से, ये है इस फर्स्ट फिंगर को मैंने यूज किया, मूव किया यहां से और ये जी पे ले आया. जैसी जी पे लेकर आया मेरा ये पूरा हाथ फ्री हो गया यहां पर और अब मेरे लिए बड़ा आसान है आगे जाना. देखें फिर से सी डी ई एफ, ये फर्स्ट फिंगर यहां से मूव की जी के ऊपर आ गई, ये हमारी बाकी फिंगर्स फ्री हो गई. ए बी सी कंटिन्यूस प्रोसेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 स्केल असल में एक सीढ़ी का नाम है. आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं और फिर उन्हीं स्टेप से नीचे भी उतर कर आते हैं. तो कैसे नीचे आएंगे, हमें वापस भी जाना है. अब देखिए हम चढ़ तो गए अब हमें वापस जाना है. आप गौर से देखिए मैंने क्या किया वापस जाने के लिए, क्या किया. ये जो फिंगर नंबर फोर है ये मैं यहां से ऊपर से ट्रेवल करके इधर लेकर आया हूं. जैसी मैंने इधर यूज किया इसको मेरी ये फिंगर्स फ्री हो गई बिल्कुल और मैं बड़े मजे से ई डी और सी के ऊपर इसको प्ले कर लूंगा. फिर से देखें हम अभी ऊपर जा रहे हैं, अब हम वापस आ रहे हैं. ये मैंने यहां से मूव किया इधर ले आया. सो आपने अपनी फिंगर पोजीशन का बड़ा दुरुस्त इस्तेमाल करना है कि आप जब मूव कर रहे हो अपनी राइट साइड पे तो आपको ये देखना है कि हमारी ये फिंगर्स फ्री हो रही हैं, लेफ्ट साइड पे तो आपकी इस तरफ वाली फिंगर्स को फ्री होना चाहिए. अब एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप फर्स्ट टेट्राकॉर्ड को देखें सी डी ई एफ. ई और एफ आपस में सेमी टोन्स हैं यानी थर्ड एंड फोर्थ की सी डी ई एफ. सेकेंड टेट्राकॉर्ड पे आ जाए जी ए बी सी, अगेन आप देखें बी और सी आपस में सेमी टोन्स हैं यानी हाफ स्टेप. ई और एफ हाफ स्टेप, कोई बीच में
की और नहीं है, ये सेमीटोन्स होगी। सिमिलरली बी एंड सी, इनके दरमियान में कोई की नहीं है, ये भी आपस में सेमीटोन्स होगी। तो मेक श्योर कि जब आप मेजर स्केल प्ले करते हैं तो उसमें थर्ड एंड फोर्थ एंड सेवन्थ एंड एट्थ की वो आपस में सेमीटोन होना चाहिए। देखिए और से, जी मेजर स्केल। एक दफा जब आपने एक मेजर स्केल बजाना सीख लिया, यानी आपको उसके रूल्स पता चल गए, तो कोई भी मेजर स्केल बजाना अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। हम इसको अभी जी मेजर स्केल में ट्राई करेंगे और आप देखिएगा कि आप इसको इजीली पिक कर लेंगे कि हाउ टू प्ले द जी मेजर स्केल। जी मेजर स्केल के लिए सबसे पहले हम अपने उसी पुराने सी मेजर स्केल की तरफ चलते हैं। पहले हम इसको प्ले करते हैं, सी डी ई एफ, फर्स्ट टेट्रा कॉर्ड हो गया हमारा ये, जी ए बी सी, ये हमारा सेकंड टेट्रा कॉर्ड। टेट्रा कॉर्ड याद है ना आपको कि फोर जो नोट्स हैं उनका जो एक ग्रुप है उसको हम टेट्रा कॉर्ड कहते हैं। टोटल एट नोट्स होते हैं एक स्केल में, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट टेट्राकॉर्ड एंड सेकंड टेट्राकॉर्ड। अब इस सी मेजर के फर्स्ट टेट्राकॉर्ड को तो आप भूल जाएं और जो सेकंड टेट्राकॉर्ड है उसको सिर्फ प्ले करें, जी ए बी सी। ये एक्चुअली जी मेजर स्केल का फर्स्ट टेट्राकॉर्ड भी है, जी ए बी सी। आपने देखा होगा कि बी और सी में सेमीटोन्स का डिस्टेंस है, यानी हमारा जो ये फर्स्ट टेट्राकॉर्ड जी मेजर स्केल का है इसके अंदर थर्ड एंड फोर्थ नोट्स सेमीटोन्स हैं। अब आगे हम आसानी के साथ इसका सेकंड टेट्राकॉर्ड ऐड करते हैं, जी ए बी सी, फर्स्ट टेट्राकॉर्ड, डी ई एफ जी, ये आपने सेकंड टेट्राकॉर्ड ऐड कर दिया। लेकिन एक मिनट, आपको इसमें कोई गलत बात नजर आई? यस, डी ई एफ जी, एफ जी, दीज आर नॉट सेमी टोन्स, ये टोन्स हैं। जबकि हमें अच्छे तरीके से पता है कि एफ और जी ये दोनों क्यों के टोन्स हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द जी मेजर स्केल इज रॉन्ग। हमें ये हर सूरत में सेमी टोन्स करना है। उसके लिए इतनी सी बात करनी है कि इस एफ को एफ शार्प में चेंज कर देंगे आप, यानी डी ई एफ शार्प जी। अब ये हमारा राइट कंस्ट्रक्शन हो गई। देखिए शुरू से, जी ए D, C, B, E, F sharp, G. This is the right construction of G major scale. Another major scale, which is A major. तरीकाकार इसका वही होगा जो कि सी मेजर स्केल में आपने देखा या जी मेजर स्केल में देखा, यानी वही टू टेट्राकॉर्ड्स, एट नोट्स, टू टेट्राकॉर्ड्स, थर्ड एंड फोर्थ नोट दोनों टेट्राकॉर्ड का सेमीटोन होने चाहिए आपस में। जैसे फर्स्ट टेट्राकॉर्ड का थर्ड एंड फोर्थ नोट शुड बी द सेमीटोन्स, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ नोट्स ऑफ द सेकंड टेट्राकॉर्ड शुड आल्सो बी द सेमी टोन्स। टू लर्न द ए मेजर स्केल वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द की नोट। द की नोट इज ए। आपको ए की का पता है ना, वही आपको मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि फिफ्थ जो ब्लैक की है उसके बिल्कुल अटैच्ड डाउनवर्ड अगर आप जाएंगे तो वो जो व्हाइट की होती है वो ए की होती है। So,
क्योंकि हम ए मेजर स्केल की तैयारी करेंगे तो लिहाजा इसको हम स्टार्ट भी ए की से ही लेंगे, तो ए की जो की है वो इसका की नोट होगा ए। बिल्कुल उसी तरह से हम फर्स्ट टेट्रा कॉर्ड इसका बनाएंगे, पहले ए बी सी शार्प एंड डी, ए बी सी शार्प एंड डी। फिंगर पोजीशन देखिए वही होंगी, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार फिंगर्स इसके अंदर यूज हो रही हैं। फर्स्ट फिंगर शुड बी ऑन ए, सेकंड फिंगर ऑन बी, थर्ड फिंगर ऑन सी शार्प एंड फोर्थ फिंगर ऑन डी। ए बी सी शार्प एंड डी। नाउ अब सेकंड टेट्राकॉर्ड आपने बनाना है, उसके लिए आप मजीद आगे जाएंगे, ई एफ शार्प जी शार्प एंड ए। यू नो जी शार्प एंड ए आर सेमीटोन्स टू ईच अदर। सेकेंड टेट्राकॉर्ड में वही चार नोट्स, ई एफ शार्प जी शार्प एंड ए। फर्स्ट टेट्राकॉर्ड ए बी सी शार्प एंड डी, थर्ड नोट एंड फोर्थ नोट आर सेमीटोन्स, सी शार्प एंड डी आर सेमीटोन्स। सो आर फर्स्ट टेट्राकॉर्ड इज ए बी सी शार्प एंड डी। सेकेंड टेट्राकॉर्ड डी तक तो आ गए, अब हम ई से आगे चलेंगे, ई एफ शार्प जी शार्प एंड ए। G sharp and A are again semitones. इसको अब continuity में बजाएंगे A से लेके A तक, यानी पूरे octave के ऊपर हम अपनी उंगलियों को घुमाएंगे या play करेंगे इसे। A B C sharp B E F sharp G sharp and A. देखिए ये तो आपका हो गया ए मेजर स्केल, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है इसकी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो माइनर स्केल के ऊपर होगा और हम माइनर स्केल्स को स्टार्ट करेंगे ए माइनर से। इसी ए मेजर को हम कन्वर्ट करेंगे ए माइनर पर, तो अगर आपको ए मेजर स्केल अच्छे तरीके से आता होगा तो आप ए माइनर स्केल को भी फिर अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए माइनर स्केल के पास। माइनर स्केल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये माइनर स्केल, कुछ लोग कुछ बताते हैं कुछ लोग कुछ बताते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से माइनर स्केल्स के बारे में बताऊंगा और आई होप कि आप बड़ी आसानी के साथ माइनर स्केल्स को प्ले करने के काबिल हो जाएंगे। ए माइनर स्केल के लिए पहले हम फर्स्ट टेट्राकॉर्ड ए मेजर स्केल का प्ले करते हैं, ए बी सी शार्प डी। ये हमारा ए मेजर स्केल का फर्स्ट टेट्राकॉर्ड है। इसमें हम स्लाइट सी चेंज करेंगे और वो ये करेंगे कि इस सी शार्प को एक सेमीटोन डाउन करके सी पे ले आएंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट टेट्राकॉर्ड क्या बना, ए बी सी डी। चेंज क्या हुई, थर्ड नोट सी शार्प का जो था वो सी में कन्वर्ट हो गया। ये एक्चुअली थर्ड नोट ही है जो मेजर और माइनर स्केल्स को डिवाइड करता है, आपस में आपको बताता है कि ये मेजर स्केल है या माइनर स्केल है। अगर ये थर्ड नोट
एक सेमीटोन अप होता यानी सी शार्प होता, इट मींस ये मेजर स्केल होता। लेकिन अगर ये ऐसे है यानी सी यूज हुआ है, इट मींस ये माइनर स्केल है। फर्स्ट टेट्राकॉर्ड आपको मिल गया ए बी सी डी। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट टेट्राकॉर्ड ऐड करेंगे ई एफ जी शार्प ए, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट टेट्राकॉर्ड में सी शार्प सॉरी जी शार्प और ए ये आपस में सेमीटोन, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ नोट्स आपस में सेमीटोन्स होने चाहिए। ये एक बड़ा स्टेप है कि आप देखें डायरेक्ट आपने जंप किया है एफ से जी शार्प के ऊपर, लेकिन ये इस स्केल की हार्मनी के लिए बड़ा जरूरी है। इसीलिए इस टाइप के माइनर स्केल को हम कहते हैं हार्मोनिक माइनर स्केल। और से देखिएगा ई एफ जी शार्प ए। अब हम टोटल इसको जब नोट नंबर वन से प्ले करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हाउ मच इट इज हार्मोनिक। ए बी सी डी ई एफ जी शार्प ए कम बैक। सो दिस इज ए माइनर